रविवार को आए एग्जिट पोल ने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। अगर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो यह हरियाणा में बीजेपी के लिए इतिहास होगा, क्योंकि आज तक बीजेपी हरियाणा की 10 की 10 सीट नहीं जीत पाई है। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी गदगद है, वहीं विपक्ष ने इन एग्जिट पोल को नकार दिया है। लेकिन विधानसभा स्पीकर कमरपाल गुर्जर ने भरोसा जताया है कि बीजेपी का प्रदर्शन एग्जिट पोल के अनुसार ही आएगा, बीजेपी हरियाणा में सभी सीटें जीतेगी। स्पीकर महोदय का कहना है कि बीजेपी देश भर में भी 350 सीटें जीतेगी, क्योंकि पिछली बार भी एग्जिट पोल सही साबित हुए थे। चाणक्य के एग्जिट पोल को सबसे सटीक बताते हुए कहा कि इसके अनुमान लगभग सही साबित होते हैं और ऐसी एजेंसी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट दी है। देखिए, ये रिजल्ट से पहले एक अनुमान है और अनुमान अनुमान ही होता है, 23 को ही सही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जितना भी जो हमारी भी बातचीत हुई ना, जो लोगों से बातचीत हुई, तो उनका मानना ही है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत रही है। स्पीकर महोदय ने विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि पूरा विपक्ष एक हो गया है, लेकिन वो बीजेपी की जीत को रोक नहीं पाएंगे। बीजेपी ने जो विकास के कार्य किए हैं उनके दम पर ही बीजेपी चुनाव जीतेगी। उन्होंने राष्ट्रवाद को भी चुनावों का एक बड़ा मुद्दा माना है। इस देश में ना अलग अलग टाइप का, देखिए जो सारा विपक्ष है वो सारा इकट्ठा हो गया है एक जगह, और जिस प्रकार से उसने बोलना शुरू किया तो वो एक बात लगती है। लेकिन जिस प्रकार के विकास के काम वर्तमान सरकार में और जिस निष्पक्षता के साथ हुए, तो जो अंतिम व्यक्ति है वो भी कहता है कि भाई यहाँ काम हुआ है, मुझे भी उसका लाभ हुआ है सरकार का, मुझे चाहे गैस का ही सिलेंडर मिला लेकिन मुझे गैस का सिलेंडर मिला। एक गरीब आदमी कहता है कि मेरा मकान बना तो मेरा मकान बना, और जो उससे ऊपर का व्यक्ति है वो कहता है सड़क बना, रोड बना, पुल बना, स्कूल बना, कॉलेज बना। तो इस प्रकार का एक विकास जो सारा का सारा होता है, ये तो हर आदमी मानता है कि उन्होंने कभी भी इतना विकास होते हुए देखा नहीं है। स्पीकर महोदय के दावे में कितना दम है ये बात तो 23 मई को ही पता चलेगी, लेकिन इतना तय है कि इन एग्जिट पोल ने विपक्ष के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। विपक्ष जहां ये मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी हरियाणा में सबको साफ कर देगी, वहीं बीजेपी एग्जिट पोल को जनता का जनादेश बता रही है। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़।